उसके घर की रक्षा स्वयं भद्रकाली करती है। हम कहीं भी जाएं, या अपनी रक्षा हो या घर की रक्षा हो या अपने धन धरोहर की रक्षा हो, भद्रकाली करती है। बहुत सारे लोग ये कहते हुए आते हैं मेरे पास कि ये हमारी खेती है, दूसरे ने कब्जा कर लिया है, वो नहीं देता, या पैसा है किसी ने ले लिया है, नहीं देता, हमारी रक्षा नहीं है, नहीं तो हमारे को किसी ने मारने की धमकी दी है। ऐसे लोग अगर ये भद्रकाली साधना करते हैं तो उनको माँ निश्चित रूप से उनको साधना देती है। मैंने जो साधना का मंत्र दिया है, अगर साधक सच्चा है और साधक अपने आप को साधक बतलाने की बात करता है तो इस साधना को एकांत में, अपने घर के एकांत कमरे में हो या कहीं जंगल में हो या स्मशान में हो, 41 दिन तक ये साधना जो बिना डरे हुए अपने ओर घेरा, रक्षा का घेरा बनाकर इस साधना को करता है, तो मैं आपको बोलता हूँ निश्चित रूप से भद्रकाली प्रसन्न होती है। आप करके देखें, अगर भद्रकाली प्रसन्न ना हुई तो आप मेरा यंत्र सामग्री मेरे पास फेंक कर जाएं और बोलेंगे हम कभी साधना नहीं करेंगे और गुरु जी आप साधना नहीं बोलना, इतनी गारंटी देता हूँ, आप करके बताएं। लेकिन मैं जैसा चाहता हूँ वैसा एकांत में बैठे, आपके कमरे में कोई नहीं आए, 41 दिन की साधना करें, रक्षा का घेरा बनाए या स्मशान में जंगल में करें और देखें आपको भद्रकाली प्रसन्न होती है या नहीं। इस कलयुग में नवनाथों ने इन साधनाओं को संपन्न किया था। वो कहीं जंगलों में गुफाओं में बैठे रहते थे जहाँ सांप पाले बिच्छुओं का या पहाड़ों को गिरने का, ओले गिरने का, पहाड़ों पर बैठे हुए अगर ओले गिर गए या पहाड़ गिर गया तो ऐसे समय में अपनी रक्षा किस प्रकार, इस प्रकार की रक्षा प्राप्त करने के लिए इस भद्रकाली साधना को किया करते थे। अपने आप को रक्षा ग्रहों से, बाधाओं से, अड़चनों से, तूफानों से लड़ने की क्रिया को भद्रकाली साधना। अब हम जब कभी भी साधना करते समय अपने आप को रक्षित नहीं मानते, अपने आप को कहते हैं कि मैं साधना में बैठा हूँ, गुरु जी कुछ ऐसा ना हो जाए कि मुझे साधना छोड़नी पड़े, लेकिन जिसने भद्रकाली साधना की, भद्रकाली का मंत्र किया, तो उसके जीवन में ऐसी घटनाएं या ऐसी बातें नहीं होती, नहीं होनी चाहिए। आज हमने भी साधना का मार्ग अपनाया है, मैंने भी साधनाएं की हैं, लेकिन कभी आपने देखा कि गुरु पूर्णिमा छोड़कर मैं भाग गया हूँ? कभी आपने देखा है कि गुरु जन्मदिन छोड़कर भाग गया हूँ? नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि माँ भद्रकाली से यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा दिन मेरे इसमें ना आए। हाँ, बाकी के दिनों में ये सहज है कि हम बाकी के दिनों में आते हैं, लेकिन हम साधनात्मक दृष्टिकोण से हम बैठे हुए हों, साधना कर रहे हों और उस समय हमारी को हमारी रक्षा के लिए जो कार्य किया जाता है उस साधनात्मक रक्षा प्राप्त करने के लिए, चाहे ग्रह भी जिसने भद्रकाली की साधना किया, नवग्रह भी उसको बिगाड़ नहीं सकते, उसको साधना से हटा नहीं सकते, चाहे शनि महाराज भी कितने भी खराब हो या सूर्य हो, मंगल हो, कोई भी जिसने भद्रकाली साधना संपन्न की उसको हर प्रकार की रक्षा प्राप्त होती है। अपने बच्चों की रक्षा हो, अपनी रक्षा हो और अपने गांव और पत्नी परिवार की रक्षा हो, अपनी धन धरोहर की रक्षा हो, अपनी खेती की रक्षा हो, इन सारी भद्रकाली साधना से होती है। मैं आज यह साधना मेरे सामने आप कम से कम एक माला संपन्न करें, एक माला संपन्न करके आएंगे बार, क्योंकि रक्षा का घेरा की बात मैंने की है। रक्षा की घेरा आप खींचने के लिए आप खींच नहीं सकते और रक्षा घेरा खींचने के लिए प्राण प्रतिष्ठित व्यक्ति चाहिए, आपके शरीर में आपके उंगली में वो रक्षा चाहिए, वो प्राण प्रतिष्ठा चाहिए जिसको आप घेरा खींचे तो रक्षा का घेरा बने। तो जिसने भी यह साधना एक माला संपन्न की है उसके बाद मैं उनको स्वयं उस रक्षा घेरा न खींचते हुए साधना करने के लिए दीक्षा देता हूँ। आपकी रक्षा का घेरा दीक्षा ही मैं दे देता हूँ जिसको रक्षा की घेरा खींच ना सके, अब खींचे नहीं और आप कहीं भी बैठकर इस साधना को एकांत में कर सकते हैं। इस साधना में भद्रकाली निश्चित रूप से सिद्ध होगी। मैंने यह साधना मुक्ति धाम हिमालय में 9 दिन रहकर की थी और 90 दिन मैंने स्वयं अनुभव किया था कि माँ की रक्षा अपने पास है। मैं भी आपकी तरह मनुष्य हूँ, मैं भी उसी गुरु का शिष्य हूँ जिस गुरु का मंत्र आप करते हैं, वही गुरु का मंत्र मैं भी करता हूँ और मैंने भी वो साधना संपन्न किया और आपको भी कहता हूँ कि वो साधना संपन्न करें, चाहे किसी घने जंगल में भी हो, अब तूफान में हो, बारिश में हो, आप ये साधना संपन्न करें और देखें कि आपकी साधना का, इस साधना का फल क्या होता है और आप किस प्रकार रक्षित समझे जाते हैं। अभी आपको एक बार पहले उदय महाराज ध्यान और वो देंगे, पहले आप वो जो आपके पास साधना में कपड़ा दिया गया है उस कपड़े के ऊपर यंत्र रखो और उसके गोल अतराफ सारे आयुध रख दो, आयुध रख दो और माला हाथ में ले लो। पहले कपड़ा आपके सामने डालो, उसके ऊपर यंत्र रखो, यंत्र के गोल
सारी आयु सामग्री रख दो। यहाँ से आयोजकों से निवेदन है कि उनको फूल दें, आठ आयुर्वेद के आठ फूल दे रहे ताकि आयुर्वेदों पर और यंत्र पर फूल चढ़ाए जाएं। यहाँ कौन है? श्रीनिवास। साधकों को गंध अक्षर लगाए हुए फूल सभी को दे दे जिन्होंने सामग्री ली है। आपके पास ही फूल भेजता हूँ, केवल हाथ उठा ले, आपके पास फूल लेके लोग आएंगे। कि आपके पास यंत्र पहले जिस कपड़े पर यंत्र को रखते हैं, यंत्र के अतराफ यंत्र के गोल आप साधना सामग्री रखते हैं, जो आयुध है उसको रखें, उसको गंधक पुष्पाक्ष से पूजा करें। धूप दीप यहाँ रखा हुआ है। एक माला जो आज मेरे सामने करेंगे वो कहीं भी आपके जीवन में कभी भी 41 दिन आपके अगर फ्री हो तो आप इस साधना को जरूर संपन्न करें और आप रक्षा अनुभव कर सकते हैं। लेकिन जो मेरे साथ आने आना चाहते हैं वो लोग निश्चित रूप से साधना संपन्न कर लें ताकि उनके जीवन में मेरे साथ आने के बाद कोई ऐसी अभद्र घटना ना घटे जिसके लिए उनको पीछे जाना पड़े। ये साधना जो करता है उसको ऐसी घटनाएं उसके जीवन में नहीं होती। आपको मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आप पहले कपड़ा बिछा लें, यंत्र को बीच में रखें, यंत्र का धागा बांध लें और यंत्र के गोल में सारे आयुधों को रख दें। आपको फूल लाके दे रहे हैं, उन फूलों को आप उन आयुधों को यंत्र पर चढ़ाएं, उसके बाद मंत्र और ध्यान मंत्र बोला जाएगा, उसके बाद आप साधना संपन्न करें। ये साधना नवनाथ सिद्धों ने भी की थी, भगवान परशुराम जी ने भी ये साधना संपन्न की थी और मैं आपको भी ये साधना संपन्न करने के लिए कह रहा हूँ। आप इस साधना को संपन्न करें। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, पहले कपड़ा बिछा दें, यंत्र रखे, यंत्र का धागा आप बांध लें, आयुधों को उसके अतराफ रख दें। आपके जीवन में किसी भी परेशानी हो, ये साधना करने वाले को उस परेशानी से छुटकारा मिलता ही है, क्योंकि उसका नवग्रह भी उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, ऐसा शास्त्र कहता है। जब नवग्रह ही बिगाड़, हम क्या कुंडली में पूछते हैं कि मेरे ग्रह अच्छे हैं या नहीं, मेरे कोई सता रहा है नहीं, ये पूछते हैं। इस साधना से ग्रह भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते जो ये साधना संपन्न करता है। आप कपड़ा बिछा लें, इसके बाद ध्यान मंत्र के साथ मंत्र बोला जाएगा, मैं भी उसके बाद मंत्र बोलूंगा। यहाँ धूप दीप यहाँ लगा रहे हैं, आप केवल फूल चढ़ा दें। मम भद्रकाली नवनाथ चौरासी सिद्धन के बीच में बैठकर काली मंत्र स्वाहा। और एक बार बोलता हूँ, ओम सिंहो दत्तो विकोवा घड़ित धड़धड़ा ध्यायमान भवानी दैत्य नाम देह नाशनाम तोड़यंती सिरांसी रक्तां पिबंती घुटत घुट घुटा घुटेयंती पिशाचा
त्रिहाप त्रिहाप हसंती खदत खद खदात त्रिरोष मम भद्रकाली नवनाथ चौरासी सिद्धन के बीच में बैठकर काली मंत्र स्वाहा। और एक बार ओम सिंहो दत्तो विकोवा धड़ित धड़धड़ात ध्यायमान भवानी दैत्य नाम देह नाश नाम तोड़यंती शिरांसी रक्तां पिबंती घुटत घुटघुटात घुटेयंती पिशाचा त्रिहाप त्रिहाप हसंती खदत खदखदात त्रिरोष मम भद्रकाली नवनाथ चौरासी सिद्धन के बीच में बैठकर काली मंत्र स्वाहा। आप जिन्होंने भी यंत्र सामग्री ली है, आप सामग्री में 6 है 8 है इसकी कोई उसका विचार ना करें। यंत्र के गोल में आयुधों को रखें, उसके ऊपर फूल चढ़ाएं, यंत्र के ऊपर भी फूल चढ़ाएं, एक माला जप करें, उसके बाद मैं रक्षा की दीक्षा आपको दूंगा। यह मंत्र अगर 41 दिन में जो लोग सवाला मंत्र करते हैं एकांत में रहकर निश्चित रूप से काली सिद्ध होती है, इसका भरोसा मैं आपको देता हूँ, इसका विश्वास मैं आपको देता हूँ। इसके बाद जो लोग ये साधना सामग्री नहीं लिए हैं वो लोग केवल ओम क्लीम भद्रकाली नमः इस मंत्र का एक माला मंत्र जप करते हुए उसके बाद ही खाना खाने को जाओ, क्योंकि इस मंत्र में इतनी श्रेष्ठता है आपके मंत्र पूरा पूरा होते होते बादल गरजने लगेंगे, इतनी शक्ति इस मंत्र में है। अब आपको रोकना है कि इसको कैसे करना है और उसको कैसे देखना है। आप इस मंत्र को एक माला मंत्र जप अभी करें, मैं उसके बाद दीक्षा देता हूँ। मंत्र जप के बाद ही खाना खाने को जाए, खाना खाने के बाद भी दीक्षा दे सकता हूँ, खाना खाने के पहले। मंत्र जप होने के लिए आपको कम से कम 1.5 घंटा या 15 मिनट तो ज़रूर लगेंगे। और जिन्होंने नहीं किए हैं, जिन्होंने यंत्र सामग्री नहीं ली है, ओम क्लीम भद्रकाली नमः, ओम क्लीम भद्रकाली नमः, जिन्होंने यंत्र सामग्री नहीं है वो लोग भी ज़रूर करें, क्योंकि भद्रकाली ही ऐसी साधना है। गुरु का कर्तव्य होता है कि सभी को देखें। आप यंत्र सामग्री नहीं लिए हैं तो भी इस मंत्र को करें, दशमहाविद्याएं आपके सामने हैं, इसको करने के बाद आपकी रक्षा का काम मैं देखता हूँ। यंत्र सामग्री जिन्होंने लिए है उनको रक्षा दिलवाता हूँ। जिन्होंने सामग्री ली है वो लोग एक माला मंत्र के बाद ही भोजन करें, और जो लोग क्लीम भद्रकाली नमः मंत्र जप करते हैं वो लोग उसके बाद उठकर भोजन कर सकते हैं। मैं ठीक 3:30 बजे फिर यहाँ मंच पर आऊँगा, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। मंत्र जप के बाद आप खाना खाने के बाद भी दीक्षा में प्रदान करता हूँ। मंच पर मैं 3:30 बजे फिर एक बार यहाँ आकर आपको आगे का कार्यक्रम समझाऊँगा, तब तक आप खाना खाकर दीक्षा ले सकते हैं। सभी लोगों को मंत्र करना है ओम क्लीम भद्रकाली नमः। जो लोग मंत्र यंत्र सामग्री नहीं लिए हैं उसको इस मंत्र को करें, और जो लोग सामग्री लिए उसको एक माला इस मंत्र को जप करने के बाद ही खाना खाएं। मैं आप सभी को आशीर्वाद देता हूँ।